ਬਲੌਗਰ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ मीडिया नु देखदा होया ता खास तौर ते पुलिस प्रशासन वालों पिछले गेट दे राही जिहड़ा पाना सिद्धू नु कोर्ट दे विच पेश कीता गया। ता जिस तों बाद दस्सा जा रहा है कि पाना सिद्धू दीआं जिहड़ी मुश्किलां ने ओह लगातार वधदीआं जा रहीआं ने, क्योंकि एक केस तों बाद दूजा केस, दूजे केस तों बाद जिहड़ा तीजा केस वी जिहड़ा हुण ओह खुल चुका है। सो इह पटियाला दी जिहड़ी कोर्ट है जिहदे विच पेश कीता गया है, पर मीडिया दी जिहड़ी अख है ओह बंद करके पुलिस ने बैक साइड तों जिहड़ा है ओह उन पाना सिद्धू नु पेश कीता है। तो कितने कितने कह सकते हैं कि क्योंकि अक्सर ही जरा लगातार जरा पाना सिद्धू ने वो जरा पंजाब सरकार की गल की जाए ज एजेंटा की गल की जाए उन्होंने खिलाफ जरा मोर्चा वो खोलते रहे ने, क्योंकि जेकर आंकड़े की गल की जाए तो पाना सिद्धू ने कई अजे एजेंट ने जिन्हों तो जरा पैसे जड़े ने मुड़वाए ने, क्योंकि एजेंट जड़े ने विदेश भेजन के नाते करोड़ों रुपये जो ठगियां मारते सन तो लोग जड़े ने पाना सिद्धू को आते पाना सिद्धू जड़े ने वो अपने फोन के जरिए तो कई परिवारों के जोड़े पैसे ने वो वापस करवा देते सन। तो आखिरकार केस से केस जोड़ा है पाना सिद्धू के उपर पाया जा रहा है। तो 14 दिन की जी न्याय रियासत है तो 14 दिन की जी जेल भेज दिया गया। तो उसके बाद दसा जा रहा है कि अबोध जी पुलिस है वो उत्तर लैके जा रही। तो तुम दस दिए पटियाला की जी कोर्ट है जिदे कि पिछले पास एक होर रस्ता है तो उस तो जोड़ा है पाना सिद्धू की एंट्री होंगी है। तो जरा यह गेट है बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यह वो गेट है जिथे कि आम लोग जोड़े ने अपनी कोर्ट के पेशी दौरान जो आते हैं, पर जो भी पाना सिद्धू आना सी पुलिस प्रशासन वालों एक गेट बंद कर दिता गया। तो दूजे पास जोड़ा है दूसरा गेट है उस तो जी एंट्री है वह पाना सिद्धू की हुई है। तो कितने कितने कह सकते जो लगातार जोड़े ने पाना सिद्धू पंजाब सरकार के खिलाफ एजेंटा के खिलाफ जी आवाज ने चुक रहे हैं। सो गेट है खोल दिता गया है, उस तरह जो लोग ने आ जा रहे हैं। चौदह दिन की जी न्यायिक रियासत पाना सिद्धू जेल च भेज दिया गया है। उस तो बाद अबोध की पुलिस दसा जा रहा है कि अपनी कार्रवाई करेगी, हो सकता है उन्होंने मेडिकल कराने तो बाद अबोर भी लेके जा सकता है। तो इस दिन दस दिए लंबे समय तो जोड़ा है पाना सिद्धू जोड़े ने एजेंटा के खिलाफ सरकार के खिलाफ जोड़े ने वो आवाज बुलंद करते रहे ने। अजे केस भी पंजाब के चाहे ने जोड़े एजेंट ने करोड़ों रुपया लैके विदेश भेजन के ना तो ठगी मारते सन तो वह पाना सिद्धू अपने जोड़ा पावर के जरिए पैसे मरवाते सन। तो आखिरकार अजिहा की हो गया कि पाना सिद्धू के एक परचा दूजा परचा तो तीजा परचा जोड़ा दर्ज करना पै देखो अज जो सदर पटियाला एफ आई आर दर्ज हुई थी पाना सिद्धू सर परविंदर सिंह जुडिशल मजिस्ट्रेट पटियाला की कोर्ट पेश किया गया। दोहां पार्टियां की बहस होने बाद दोहां धिरां की गलबात होने तो बाद जज साहब ने उन्होंने जुडिशल रिमांड का ऑर्डर किया 12/2/2024 तक का जी। सर कोई पुलिस ने दस्सिया तुसीं इसमें अभी की किया है या कोई होर? नहीं, पुलिस ने अज जिहड़ा रिमांड पेश किया उहदे विच 3 दिनों का की प्रोग्रेस सीगा या की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की इस तरह का कोई जिक्र नहीं होया। एक सर एज ए पुलिस की गल की जाए तो भी दसना जा रहा है कि जो बोर्ड की पुलिस कोई नाल दी नाल लैके जा सकदी, कोई उदां दा प्रोसैस हुंदा वी उदां दा? नहीं, अगर कोई होर केस च एफ आई आर हुंदी है ना ते जां अरेस्ट कीती जाण दी परमिशन है वह कंसर्न कोर्ट तो वह एप्लीकेशन ला के लेके आएंगे। अज इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट उरे जज साहब की कोर्ट च पटियाले पेश नहीं किया गया जी।